सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद। पिछले दिनों काफी समय से पटेल पब्लिक स्कूल की प्रिंसिपल अंजलि सिंह द्वारा चंडीगढ़ में प्रेस के सामने राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व पटेल मेमोरियल नेशनल सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी महिंदर सहगल पर काफी गंभीर आरोप लगाए गए थे, जबकि विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज व सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी महिंदर सहगल ने अपने ऊपर लगाए सभी आरोपों को गलत व झूठ बताया था। आज उसी मामले में एक नया मोड़ आया, जब पटेल पब्लिक स्कूल राजपुरा में लगभग 15 से 26 वर्षों तक पढ़ा रही अध्यापकों ने प्रेस के सामने प्रिंसिपल अंजलि सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताते हुए खुलकर अंजलि सिंह का विरोध करते हुए कहा कि यह सब सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। आज तक मैनेजमेंट के किसी भी सदस्य ने हमारे साथ गलत व्यवहार नहीं किया। वह अध्यापकों को बहुत ही मान सम्मान देते हैं और वह लोग हमें अपने परिवार की तरह ही समझते हैं। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल मैडम ने फिजिकल टॉर्चर वाला जो आरोप लगाया है वो बिल्कुल ही झूठा और बेबुनियाद आरोप है। इस मौके पर लगभग 26 वर्षों से पटेल स्कूल में अपनी सेवा निभा रही व इस समय बतौर वाइस प्रिंसिपल के पद पर तैनात श्रीमती प्रवीण मिड्डा ने भी प्रेस को बताया कि मैडम द्वारा लगाए गए सभी आरोप झूठे हैं। आइए आपको सुनाते हैं कि पटेल पब्लिक स्कूल के अध्यापकों ने प्रिंसिपल अंजलि सिंह के विरोध में क्या क्या कहा। ये जो पटेल स्कूल की मैम प्रिंसिपल सिंह मैम ने मैनेजमेंट के ऊपर आरोप लगाया, भी मैनेजमेंट के कुछ सदस्य हमारे साथ तू तड़ांग करके बात करते हैं, हमारे साथ गलत किया उन्होंने, आप उनकी बात का कितना समर्थन करते हैं? भी ये क्या बात आपको सच लगी, क्योंकि आप तो बिल्कुल साथ में जुड़े हो इनके साथ, डायरेक्ट प्रिंसिपल मैडम के साथ। सर मैं आई एम वर्किंग फ्रॉम 18 इयर्स और अभी आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी इन्होंने नहीं किसी भी मैनेजमेंट के बंदे ने किसी भी टीचर से कोई ऐसे नहीं है कि उसकी डिसरेस्पेक्ट करके उससे बात करे। हम लोगों ने तो पर्सनल भी अपनी प्रॉब्लम डिस्कस की, हमारी बात आराम से सुनी, ऐसा वो नहीं थी। तो आपको हमें फैमिली मेंबर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, कभी भी पूरे रिस्पेक्ट के साथ बात करते हैं मेंबर सारे हमारे साथ, कोई भी प्रॉब्लम होता है उनके साथ तो कभी। ये जो मैम ने फिजिकल टॉर्चर वाला एलिगेशन लगाया, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। आपको क्या लगता है ऐसा मतलब मैडम ने क्यों करना पड़ गया मैडम को? मैडम की अपनी पर्सनल ग्रज होगी, नहीं जो मैनेजमेंट ने हमें बताया भी उनके खिलाफ कोई उनकी शिकायतें आ रही थी, हमने उनको नोटिस दिया था या कुछ कोई जांच कमेटी बिठाई थी, क्या आपको कुछ लगता है? सुनी जाती है पर हमें इनसे हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं होती चीजों में। कोई शो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्राइडे को भी मैम ने राउंड लिया है सबकी क्लासेज में, या कभी हमें कुछ नहीं पता, या कभी मैम ने किसी आपके स्टाफ मेंबर से कभी किसी से कोई बात की होगी मेरे साथ ऐसा कुछ हो रहा है? कोई डिस्कस नहीं हुआ जो भी। आप आपका नाम क्या है? प्रवीण मिड्डा, आप प्रिंसिपल, मैं 26 ईयर से। आपको कुछ कभी भी कुछ ऐसा हिंट दिया हो भी उनके साथ कोई गलत हो रहा है? मेरे से कोई बात नहीं हुई है, कोई डिस्कस नहीं हुआ जो भी, कि तो मैम ने कभी राजपुरा किसी के साथ भी मैम ने बात नहीं की है इस बारे में। ये राजपुरा के विधायक सरदार हरदयाल सिंह कंबोज का कोई डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इस स्कूल के साथ कोई लेना देना या उनको स्पेशल कॉल किया है वो तभी आए, अदरवाइज उन्होंने कभी देखा ही नहीं, या कभी आपको किसी ने कहा हो भी जाके कंबोज साहब से मिलो जाके, या क्योंकि मैडम ने सीधा आरोप लगाया कि मेरे को सहगल साहब ने ये कहा था कि आप आपने यहाँ काम करना तो आपको विधायक इवन की पर्सनल भी अगर किसी ने मैनेजमेंट से ये कहा हो कि हमारी सैलरी कम है या हमारी सैलरी खराब हो या कुछ है, तब भी मैनेजमेंट ने ये नहीं कहा कि मुझसे आगे पर्सनल मिलो, कभी भी नहीं। हमने स्कूल में वो भी मैम बहुत बार कर रही है, कोई भी मैम रही हो पर ऐसा कभी नहीं हुआ कि एक्सवाईजेड उनके थ्रू हमारी बात हुई होगी। आप 18 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, 20 ईयर से हूँ। इनसे पहले कभी किसी टीचर ने या कभी किसी ने किसी मैनेजमेंट के ऑल कम फ्रॉम रिप्यूटेड फैमिलीज, जो अगर ऐसा कुछ होता है तो हमारे जो लोगों के लॉज हैं या हमारे घर वाले हमें यहाँ पे जॉब करने के लिए भेजते, इस तरह का इशू नहीं सर। तो क्या मतलब आप लोगों को कैसा महसूस हो रहा है स्कूल का माहौल इतना खराब कर दिया? बच्चों पे क्या असर पड़ रहा है इस चीज का? आप क्लासेस में जाते हैं बच्चे बात? बिल्कुल नहीं सर, ये हमारी ड्यूटी है जो 18-20 ईयर से यहाँ पर है, तो नाम तो बच्चों का 20-20 ईयर से तो बच्चों को कुछ नहीं पता सर, मैम क्या आगे का नाम है क्या है, बच्चों की कोई इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना उन्हें कुछ पता, जैसे टीचर्स पहले काम कर रहे थे ऐसे ही अब कर रहे हैं, वर्किंग नॉर्मल है सर, वी आर बिल्कुल स्कूल में कोई भी नो मेजर प्रॉब्लम गोइंग ऑन, नथिंग एज सच।
as usual the school is running with all the perfect duties as per the house is on duty, the duties are being given properly and we are working under the guidance of management and the vice principal. The things are moving on smoothly as per till today. Everything is fine. कोई और कुछ इस बारे में कोई अपने विचार रखना चाहता है? हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं हमारी मैनेजमेंट से, ना कोई है ही नहीं बेसलेस एलिगेशन है, बेसलेस सिर्फ अपनी जड़ी पोस्ट मटाल ने जड़े ना एलिगेशन लगे होना तो बचन लिया और कुछ नहीं है। असली 100% कंडेम कर ते प्रिंसिपल दे बिहेवियर किस तरह सीगा तुम्हारे नाल, मतलब सारे ना तुसी इतना टाइम ऑटोक्रेटिक सीगा जी उन्होंने बिहेवियर कुछ एक चीज लेके जेड़ा सीगा जिस करके प्रॉब्लम सीगी उस करके जेड़े सीगा उन्होंने प्रॉब्लम सीगी चेंज हो जांदा सी। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਕੀ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਮਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਸ ਉਨਕੋ ਯਹਾਂ ਪੇ ਕਾਲ ਕੀਆ ਥਾ, ਸੈਲਰੀ ਇਸ਼ੂ ਥਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੋ ਕੁਛ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਕੁਛ ਕੇ ਸਾਥ ਕੁਛ ਵੀ ਜੋ ਥੀ ਉਨਹੋਂ ਬਾਤ ਕੀ ਥੀ ਉਨਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀ, ਮੈਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਉਨਹੋਂ ਮੈਮ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਤੋ ਉਨਹੋਂ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਚੁੱਪ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਸੇ ਉਸ ਟਾਈਮ। इस आपको इस चीज का तो पता है ना भी मैडम के मैडम मैनेजमेंट ने मैडम पे कड़ा नोटिस लिया हुआ था कुछ समय पहले? यही तो हम बात कर रहे हैं कि फ्राइडे को उन्होंने राउंड लिया, सैटरडे को मीटिंग हुई, हमें पता और सडनली हमें मंडे को पता चला कि मैडम नहीं आए। ठीक है, ये स्टाफ ने किसी को कुछ, आप लोगों को ये खबर कैसे पता लगी भी, मतलब ये एपिसोड हो गया सारा यूट्यूब पे? मैम के देखा था यूट्यूब पे, मैम ने डाला हुआ था जो प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसके बाद तो पता लगा था, पेरेंट्स ने थोड़ा एक दो ने कॉल किया देन पता लगा, बाकी स्कूल में कुछ नहीं बता। उसके बाद मैम स्कूल में आएगा? नहीं नहीं आएगी, मैम नहीं आएगी। ठीक है, थैंक यू। आइए अब आपको सुनाते हैं कि प्रिंसिपल अंजलि सिंह ने चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान मैनेजमेंट के जनरल सेक्रेटरी महेंद्र सहगल के बारे में क्या क्या कहा था और उसके बाद मैनेजमेंट सोसाइटी के प्रधान श्री पीसी बटेजा, महिला सेक्रेटरी श्रीमती अनीता चावला व फाइनेंस सेक्रेटरी श्री राजेश आनंद ने प्रिंसिपल अंजलि सिंह द्वारा लगाए गए सहगल पर आरोपों के बारे में क्या क्या कहा? अंजलि सिंह, प्रिंसिपल पटेल पब्लिक स्कूल राजपुरा। मेरी अपॉइंटमेंट उस स्कूल विच पिछले साल मार्च 2016 10 दी ज्वाइनिंग हैगी मेरी, तो अपॉइंटमेंट मेरी ऑन फरवरी 23 2016 मैनू अपॉइंट किया गया सी, बट मेरी ज्वाइनिंग 10 मार्च दी हैगी उस साल दी। मेरा अच्छा काम देखते हैं एंड सीइंग दैट आई एम प्रोग्रेसिव इन माई वर्क और मैं अपने बच्चों लिए अच्छा कर रही हूँ, स्कूल ही अच्छा कर रही हूँ, मैंने एक साल बाद उन्होंने कन्फर्म कर दिता गया। एक साल की कन्फर्मेशन तो बाद ड्यूरिंग ऑल दिस वाइल सारा कुछ ठीक मेरे लिए चल रहा है, सिर्फ और सिर्फ एक बंदे नू मेरे नाल प्रॉब्लम हैगी है, वो हैगे मिस्टर महेंद्र सहगल। वो मैंने डे वन तो उन्होंने मेरे नाल की प्रॉब्लम हैगी मैं आज तक नहीं समझ पाई की प्रॉब्लम्स हैगी उन्होंने दियाँ। ये जरूर हैगी उन्होंने प्रॉब्लम कि मैं उन्होंने कहे जड़ी वो मेरे तो एक्सपैक्ट कर दें कि मैं बींग अ सिंगल लेडी उन्होंने उन्होंने जी फैंसीज है विम्स एंड फैंसीज है उन्होंने पूरा करा, वो मैं नहीं कर सकती। उन्होंने मैंने ओपनली मैनेजमेंट के कुछ मैंबर्स के सामने इस तरह कहा, तू साड़ी गल मानती रहेंगी तो चंगी रहेंगी, जे तू सानू खुश रखेंगी तो अगे ठीक रहेंगी। उन्होंने मैंने ओपनली मैनेजमेंट के कुछ मैंबर्स के सामने इस तरह कहा, तू साड़ी गल मानती रहेंगी तो चंगी रहेंगी, जे तू सानू खुश रखेंगी तो अगे ठीक रहेंगी। आइए अब मैनेजमेंट के उन सदस्यों से बात करते हैं जिसका जिक्र अंजलि सिंह प्रेस वार्ता में कर रही है। पीसी पटेल जी, तुसी पटेल मेमोरियल सोसाइटी दे प्रधान हो, पटेल स्कूल दी प्रिंसिपल अंजलि सिंह ने चंडीगढ़ च प्रेस विच प्रेस नू बयान दिता भी महेंद्र सहगल जी जिहड़े तुहाडे जनरल सैकटरी हैगे ओह मैनेजमेंट दे सामने उन्हां नू काफ़ी टॉर्चर करदे सी, फिजिकल ते मैंटली अपसैट करदे सी। कदी कोई इहो जी गल मैनेजमेंट दे सामने होई होवे भी जिहड़े आरोप ला रहे हैं? बिल्कुल निराधार गल्लां हैं, इहदे च कोई मतलब लॉजिक नहीं है। अज तक साडी मैनेजमेंट टीम दे विच कोई इहो जे किसे नाल कोई बेतुकी गल नहीं की, ना कोई यह क्वेश्चन आयर किया है। रिस्पेक्टेड है, रिस्पेक्टेड बंद जी है, हर एक बंद रिस्पेक्ट देने हैं सारी टीम के मैंबर्स। मतलब ये जो है आरोप हैं बिल्कुल निराधार हैं, मतलब उसका कोई बेस नहीं है एक्चुअली। गलत गल है, फिर सारा एपिसोड क्यों होया तुहानू की लगता है? एपिसोड वही इंक्वायरी कर लगे असि, मतलब कुछ शिकायत आई है, शिकायत आई है, पेरेंट्स आई है, प्रेस प्रेस वाले बंद हाजिर थे तो उन्होंने एक्चुअली पेरेंट्स की शिकायत ना अपना देख मद्देनजर देखते हैं भाई, नेचुरली स्कूल का नाम बदनाम होएगा अगर कोई मिसमैनेजमेंट हुई है टूर के दौरान। तो उस पे की कार्रवाई की थी तुसी? कार्रवाई कमेटी बिठाई हुई है, उसकी रिपोर्ट पेंडिंग है, आनी है एक्चुअली सर। हां जी, इंक्वायरी रिपोर्ट करेंगे एक्चुअली, कमेटी है जो डिसीजन होएगा फिर टीम बैठ के कर लेगी।
ਅਨੀਤਾ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟੇਲ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਲਜ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਬਤੌਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਆ ਮਹਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਟਲੀ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਫਿਸ ਬਿਊਰੋ ਸਾਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਕਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਥੋੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਕਦੀ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਾਂ ਮੈਡਮ ਵੀ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਭੈਣ ਔਰ ਬੇਟੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੀ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਮੈਡਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬੇਟਾ ਬੇਟਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਸੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਜੋ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ ਔਰ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਪਟੇਲ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਹੈਗੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵੀ ਉਹ ਨਾ ਅਕਸਰ ਜਦ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਆਫਿਸ ਵੀਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਤੂੰ ਤੜਾਂਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਟੋਰਚਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਦੇ ਵੀ ਸਹਿਗਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ ਆਇਆ ਜਾਂ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਭੈਣ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਹਾ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕਮੇਟੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਬਿਠਾਈ ਵੀ ਸੀ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬੈਠੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਰਿਪੋਰਟ ਹਾਲੇ ਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਹੈ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ ਹਾਲੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੇ ਇਹ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ ਹੋਵੇ ਠੀਕ ਹੈ थैंक यू ये सारा मामला क्यों हुआ आपको बताने की कोशिश करते हैं जो मैनेजमेंट के सदस्य व स्कूल की अध्यापक गण कह रही हैं कि पिछले काफी समय से स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों व उनके माता पिता व अध्यापकों की प्रिंसिपल अंजलि सिंह के काम को लेकर कुछ शिकायतें मैनेजमेंट कमेटी के पास आई थी जिस पर मैनेजमेंट कमेटी ने उन शिकायतों के आधार पर एक शिकायत कमेटी का गठन मैनेजमेंट की ही सदस्य श्रीमती ठाकुरी खुराना की अध्यक्षता में बनाई थी आप ही सुनिए शिकायत कमेटी की अध्यक्षता श्रीमती ठाकुरी खुराना की शिकायत कमेटी ने मैनेजमेंट को क्या रिपोर्ट सौंपी है और उनका इस मामले में क्या कुछ कहना है ठाकुरी खराना जी तुसी पटेल मेमोरियल नेशनल कॉलेज मैनेजमेंट सोसाइटी दे मेंबर हो पटेल स्कूल दी प्रिंसिपल अंजलि सिंह ते कई आरोप लगते आ रहे थे पिछले दिनों भी ये तंग परेशान करते हैं या कुछ भी है इस बारे तुहानू उहदी कमेटी दा इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट सौंपन वास्ते कहा गया सीगा ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਉਸ ਇੰਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਹਜੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਸਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰ ਸਹੀ ਹੈ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਸ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹਿਮੀਲੀਏਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ ਹੈ ਉਸ 'ਚ ਕੀ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਜੋ ਧਾਂਦਲੀਆਂ ਟੂਲ 'ਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੋਈਆਂ ਹਾਂਜੀ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਗਲਤ ਹੈ ਟੀਚਰਸ ਨਾਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਵੀ ਮਹਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤੜਾਂਗ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਦੀ ਇਹ ਜੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਸਹਿਗਲ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਸਬਿਹੇਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਹ ਹੈਗਾ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੀ ਸਾਹਮਣਾ ਹੋਇਆ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਕਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਆਪਰੇਟ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਮੰਗੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਟੂਰ ਦੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰ ਹੋ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਕੰਬੋ ਦਾ ਇਨ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਇੰਟਰਫੇਅਰ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਔਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਬੜੇ ਨੇਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਰਾਜਪੁਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ
पेरेंट्स नूं भी पता है, स्टाफ नूं भी पता है। अब सारा का सारा मामला जनता के सामने है और स्कूल की अध्यापक गण सहित मैनेजमेंट प्रिंसिपल अंजलि सिंह द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को भी गलत बताते हुए खुलकर उनके विरोध में उतर आए हैं। अब आने वाले समय में यह मामला क्या नया मोड़ लेता है ये तो आने वाला समय ही बताएगा, मगर न्यूज 89 की नजर इस मामले पर बनी रहेगी। आप देखते रहे न्यूज 89 वेब चैनल। राजपुरा से कैमरामैन ललित कुमार के साथ मीडिया पर्सन संदीप चौधरी, न्यूज 89। सब्सक्राइब करें न्यूज 89 चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे तेज सबसे पहले खबरें देखने के लिए। धन्यवाद।